हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.14। इसमें कह रहा है वन मोल ऑफ H2O एंड वन मोल ऑफ CO आर टेकन इन 10 लीटर वेसल एंड हीटेड टू 725 केल्विन एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट विद CO अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट हो रहा है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये इक्वेशन रिएक्शन को यहां पर लिख दिया है। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है जैसे देखो इनिशियली इसका वन मोल है, इसका वन मोल है और ये है 0.0 एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम ये कह रहा है एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट, 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट विद CO। क्लियर? तो दोस्तों हमेशा याद रखना, देखो वन मोल है, इनिशियली वन मोल है, इसका 40% रिएक्ट हो गया, इसका 40% रिएक्ट हो गया तो बचा कितना? 0.6 मोल, ये बचा 0.6 मोल और रिएक्ट होने के बाद में इसका बन गया 0.4 मोल और इसका बन गया 0.4 मोल। क्लियर? एनी देखो नंबर मोल से इक्वल टू होता मास अपॉन मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर? अब कई बच्चों को एक कंफ्यूजन रहेगा, सर एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास दे रखा है। क्या दे रखा है? 40% बाय मास दे रखा है। तो मेरे दोस्त इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, क्योंकि मोलर मास तो कॉन्स्टेंट होता ना। ठीक है, तो यहां पे 0.6 रहेगा बाय मास, तो नंबर ऑफ मोल्स से भी ये 0.66 ये निकल जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा 2 मिनट लेता हूं आपको, कई बच्चों अभी भी कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 2 मिनट लेता हूं। ये 0.6 निकाल के दिखाता हूं बाय परसेंटेज बाय मास से। वन मोल ऑफ H2O, वन मोल ऑफ H2O का मास कितना होता है मेरे दोस्त? क्या 18 ग्राम होता है? वन मोल ऑफ CO, C का होता है 12 और कार्बन का 16, 28 ग्राम। वन मोल ऑफ CO का मास कितना होता है? 28 ग्राम। इनिशियली यही तो है ना, 0.0। ये प्रूव करके दिखाना ना आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम? वन मोल ऑफ H2O है मतलब 18 ग्राम, ये 28 ग्राम, ये 0.0 ग्राम एट इक्विलिब्रियम 18 ग्राम का 40% बाय मास रिएक्ट हो गए। 18 ग्राम का सर 40 ग्राम तो कंफर्म है रिएक्ट हो गया। 18 ग्राम का 0.4 मतलब 40% है ना, देखा उसको कैलकुलेट करो कितना हुआ, 7.2 ग्राम। 18 ग्राम का 40% रिएक्ट हो गया तो 7.2 ग्राम रिएक्ट हो गया, तो 18 में से 7.2 ग्राम माइनस निकालो, 18 में से 7.2 ग्राम माइनस निकालोगे तो ये आ जाएगा 10.8 ग्राम, 10.8 ग्राम बचेगा एट इक्विलिब्रियम। क्या बचेगा? 10.8 ग्राम बचेगा एट इक्विलिब्रियम। अब ये कितना प्रोड्यूस होगा ये चेक करते हैं। देखो अगर कंप्लीटली 18, देखो ये होता है 18 ग्राम और ये होता है 2 ग्राम, अगर कंप्लीटली 18 ग्राम रिएक्ट हो गया, कंप्लीटली 18 ग्राम रिएक्ट हो गया तो ये प्रोड्यूस करेगा 2 ग्राम। 18 ग्राम रिएक्ट होने पर 2 ग्राम प्रोड्यूस करता है, 1 ग्राम रिएक्ट होने पर 2 / 18 ग्राम प्रोड्यूस करता है, बोलो।
तो 7.2 ग्राम, 7.2 ग्राम रिएक्ट होने पर कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 डिवाइड बाय 18 तो 7.2 ग्राम हाइड्रोजन। देखा इसको सोल्व करो, बेहतर 0.4 मतलब 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम प्रोड्यूस करेगा एट इक्विलिब्रियम, नहीं सॉरी एट इक्विलिब्रियम पे इतना रहेगा। अब इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, H2O कितना होता है 18, इसका होता है 2.4 मोल बच एट इक्विलिब्रियम पे गए, और इस पे इसको डिवाइड करो 0.6 मोल। क्या ये यही आ रहा है, क्या ये यही आ रहा है बोलो, समझ में आया? ऐसे इसको भी अगर देखोगे तो ये सेम ही आएगा, कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, डायरेक्टली लिख सकते हो। ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा कि सर कैसे क्या होता है, तो मैं अब इसको इसको हटा देता हूं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम 0.6 मोल इसके है, 0.6 मोल इसके, 0.4 मोल इसके, 0.4 मोल इसके। अगर कंसंट्रेशन चाहिए तो मोलरिटी में चाहिए, तो व्हाट इज द मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। तो 10 लीटर का वेसल है तो इससे 10 से डिवाइड कर दो, मोलरिटी आ जाएगी 0.06 मोलरिटी, 0.06 एम मोलर, 0.04 मोलर, 0.04 मोलर। अब निकालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन, यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो पावर 1 होगी, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्रोडक्ट, ठीक है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो पावर 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O गैस है ना, कोई दिक्कत नहीं, H2 कंसंट्रेशन ऑफ CO, ठीक है तो KC=2 निकालो, H2 का कितना दे रखा है एट इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन है 0.04, ठीक है। अब देखो इसका विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड 1 मोल से 1 से लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 मोल से डिवाइड कर दो, 1 मोलर से डिवाइड कर दो विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड 1 मोलर 1 मोलर, तो ये इससे कैंसिल, 0.06 है, 0.06 है, 0.04 और 0.04, ये डायमेंशन लेस वो आ जाएगा केसी 0.04, तो 0.04 डिवाइड बाय 0.06, 0.06, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे, देखो इन पॉइंटों को हटा दो सबको, पहले दो इधर है, दो इधर है, तो ये हट गए पॉइंट, ये हट गए, ये हट गए, तो ये बचा 2, ये बचा 3, 2 और ये 3, 4 डिवाइड बाय 9, तो पॉइंट 9 चौका 36, फिर बचा 4, 9 चौका 36, KC=0.44, क्लियर।